हेट स्पीच एक अपराध है और इसी अपराध के चक्कर में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हीर खान नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। हीर खान ने हिंदू देवी देवता और देवी सीता को गाली दी थी, अपमानजनक शब्द बोले थे। अब हीर खान के बहाने ही उपासना आर्य नाम की महिला ने मुस्लिमों पैगंबर मोहम्मद और हीर खान को गाली बकी। उपासना आर्य का गालियों वाला वीडियो ये वायरल हो गया और ट्विटर पर उसकी गिरफ्तारी की मांग उठी और हैशटैग अरेस्ट उपासना आर्य ट्रेंड हो गया। हालांकि सोशल मीडिया साइट्स पर उपासना आर्य के कई ऐसे वीडियो हैं जिन पर उपासना उत्तेजक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, साथ ही साथ अपने बयानों के साथ वो लोगों को भड़काने की भी कोशिश कर रही है। ट्विटर पर चल रहे हैशटैग के साथ लोग उपासना की पुरानी सोशल साइट्स पोस्ट को भी हवाला दे रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाली महिला हीर खान को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो लगातार हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी, साथ ही पुलिस को चुनौती भी दे रही थी। वो कह रही थी कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है, और इसलिए लगातार हीर खान की गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी। और इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जाहिर है कोई भी शख्स हो, चाहे वो हीर खान हो या उपासना आर्य, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।